नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश का जो एंटीना है दोस्तों, उसको कैसे सेटअप करते हैं, इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे हाथ में इस समय जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एयरटेल का एंटीना है, तो इसकी असेंबली आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम बोल्ट लगाएंगे। पहले आप एयरटेल का एंटीना है दोस्तों, कभी भी आप कोई भी एंटीना यूज करें तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी का यूज करें। डीडी फ्री डिश में काफ़ी हल्के एंटीने भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है जेन्युइन एंटीना है, जो एयरटेल का ओरिजिनल एंटीना है, हम उसको ही यहाँ पर लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कस्टमर के पास आया हूँ, तो यहाँ पे एयरटेल के एंटीने की जो असेंबली इस समय कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी कुछ बातें हैं जो मैन दोस्तों डीडी फ्री डिश की अगर फिटिंग करते हैं तो उसकी कुछ बातें हैं, वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना होगा दोस्तों, तो तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल पर देखने को मिले। तो दोस्तों जो बोल्ट हैं बहुत ही अच्छे तरह से हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तो कैमरा जो है थोड़ा सेटअप में होने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, लेकिन आवाज़ में जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बोल्ट वगैरह आप अच्छी तरह हो सकता है लगा भी सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, कस्टमर को चाहे दो पैसे आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन आप कोई भी हल्के वाला एंटीना यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि दोस्तों उसका क्या होता है कि कुछ दिन बाद उनमें बैंड भी आ सकता है और जंग लगने की संभावना होती है। तो काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि हल्के वाला लगा दो कोई दिक्कत, लेकिन उनको बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर उनके जो बारिश वगैरह आती है तो जंग जल्दी पकड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो बोल्ट वगैरह अगर सिग्नल में दिक्कत आती है, तो बोल्ट वगैरह अगर हम वहाँ पर टाइट करते हैं तो बोल्ट काफ़ी बार वहाँ पर खुलते भी नहीं है, क्योंकि जंग पकड़ लेते हैं और कई बार बोल्ट वहाँ पे टूट भी जाते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल एंटीना ही यूज करना चाहिए दोस्तों, यदि आप डिस्क का काम करते हो या डिस्क का काम अभी नवा नवा आपने सीखा है दोस्तों या करना जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप, ये बच्चा भी जो साथ में बैठा हुआ है कस्टमर का, ये दोस्तों तो ये हमें 10 नंबर की LP के साथ दोस्तों यहाँ पर लग रहे हैं टाइट करना, क्योंकि एंटीना थोड़ा सा यहाँ से मुसा हुआ था तो उसको भी थोड़ा बैंड वगैरह आ गया था, क्योंकि काफ़ी दूर से दोस्तों इस एंटीने को लगाने आए थे। तो बिल्कुल 10 नंबर की LP से दोस्तों यहाँ पे मैं एंटीने को दोस्तों असेंबल कर रहा हूँ। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है दोस्तों, पीछे से हमने इसकी जो है लगा ली है दोस्तों। अब हम इसके स्टैंड की बात करें दोस्तों, देखिए काफ़ी गर्मी भी है तो पसीना भी बहुत आ रहा है, पसीना पहुँचते होते दोस्तों आपका बिल्कुल, आपको प्रॉपर यहाँ पर वीडियो दिखाऊँगा दोस्तों कि आप पूरा ध्यान से देखें। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगाएंगे, तो यहाँ पे बोल्ट लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो जिस टाइम स्टैंड है दोस्तों, इस स्टैंड को दोस्तों हमें 90 डिग्री पे रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 90 डिग्री पे आप इसे सेटअप कर लेते हो, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज़ होती है तो पूरी ध्यान से देखनी होती है और ध्यान से करना होता है, इसमें कुछ काफ़ी बातें होती हैं, जो कि हमारा जो स्टैंड है दोस्तों वो 90 डिग्री पे होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्टैंड की मजबूती कर लेते हो, अच्छे बोल्ट इसमें यूज कर लेते हो, तो आने वाले समय में हमारे नो सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छी जो क्वालिटी का LNB यूज हो जाता है, अच्छी वायर यूज हो जाती है, अच्छा जो है एक एंटीना या पूरा सेटअप हमें मिल जाता है दोस्तों। तो धीरे धीरे इसको लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पसीना भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी तो पसीना भी आ रहा, साथ में पसीना ही पोंछना पड़ रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे पत्ती का जो सेटअप है दोस्तों, वो दीवार की तरफ देखना है कि इस दीवार पे हम लगाने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर डिस्क का काम नवा सीख रहे हो तो दोस्तों आपको यही है कि ये देखिए दोस्तों, आप 10 नंबर की की से आपको यहाँ पे बोल्ट यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। पहले दोस्तों नीचे जो है लेंटर के ऊपर इसका सेटअप करके देखेंगे कि क्या हमें ये सेटअप सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नीचे वाला जो स्टैंड है दोस्तों, इसको भी लगा लेते हैं, बहुत अच्छे तरह से यूज कर लेते हैं। थोड़े समय ज़रूर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि असेंबल में थोड़ा दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि नट बोल्ट वगैरह अच्छी तरह से टाइट करने होते हैं, कुछ लूज वगैरह भी रखने होते हैं, ताकि स्टैंड जो हमारा बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे लग जाए। और आपको पूरा असेंबल करके यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दोस्तों, और LN भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, एंटेना भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और जो हम बोल्ट यूज करते हैं डिस्क फिटिंग में वो भी अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर सेटअप करते हैं तो उसके लिए स्टैंड जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए हमारा। अगर स्टैंड जो है हमारा मजबूत नहीं हुआ है तो दोस्तों
तो आप अच्छी तरह से मजबूती यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार हमें नो सिग्नल की यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है। तो हल्के एंटीने में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें काफ़ी से साल दो साल में वहाँ पे जंग लग जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये मैं यूज करता हूँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा LNB है, इसको एंटीना बहुत अच्छा है और इसको मैंने काफ़ी तरह से यूज भी किया है काफ़ी कस्टमरों का। एयरटेल का एंटीना ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ, ये एयरटेल हो गया तो या टाटा स्काई का बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन एयरटेल का या सन डायरेक्ट का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों पीछे का जो स्टैंड इसमें लगाना है, तो बोल्ट थोड़ा हल्के हल्के टाइट करेंगे, ज़्यादा बोल्ट हम इसमें टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको स्टैंड के अंदर एंटीने को यहाँ पर डालना है। तो धीरे धीरे से देखना दोस्तों, थोड़ा मजबूत नहीं करेंगे, लेकिन छोटे बोल्ट हैं हाथ से जो है बहुत ही कम यहाँ पे हाथ से जो छोटे बोल्ट होने के कारण टाइट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो धीरे धीरे ये सेटअप हो रहा है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल फिट करके दिखाएगा दोस्तों। कुछ वीडियो का पार्ट यहाँ पे मैं कट भी करूँगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम देखने क्रिएट करने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बोल्ट जो है छोटे बोल्ट हैं, तो अंदर उंगली वगैरह से टाइट करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी दिक्कत आती है हमें। तो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप हो चुका है दोस्तों, लास्ट का एक दो बोल्ट हैं पीछे के जो दोस्तों, वो बोल्ट टाइट करने रह रहे हैं। तो जैसे बोल्ट टाइट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा वीडियो का पार्ट यहाँ पर स्टॉप करके आपको वीडियो दिखाएँगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट में काम करते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ में अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज करेंगे, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए कि हमें काफ़ी सालों से चीज लगी हुई है और जंग नहीं लगे और बहुत अच्छे से हमें देखने को मिल रही है। तो कस्टमर का दोस्तों पहले ही अपना डिक्लेयर क्लियर कर लें, लेकिन चीज़ और क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर यूज करनी चाहिए। ये बच्चा जो है काफ़ी देर से यहाँ पे परेशान करता है, बहुत ज़्यादा शरारती है, क्योंकि ये अपना इनका भी डिस्क का काम करना है ना, ये बार बार बुला रहा है, तो इंतज़ार में आए ये कि कब ये काम हो तो जल्दी से कि मेरे घर जाए और मेरा विड्डी सुखाड़ के कहीं और लगाए, इसलिए ये पहले ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, पहले बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो सेटअप में थोड़ी दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे बोल्ट हल्के हल्के एक एक बोल्ट यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो है दोस्तों तीन बोल्ट यहाँ पे लगने वाले हैं, दो अंदर की तरफ लगने वाले हैं, जो कि हमारी डिश को अप डाउन करने के लिए काम आते हैं, तो वो बोल्ट भी हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। लेकिन अभी पीछे के बटन है दोस्तों थोड़े थोड़े, हम तीन बटन हैं जो देखिए यहाँ पर मेरे औजार वगैरह भी चेक करता रहता है, इसको बार बार मना करने के बाद भी ये देखिए यहाँ पर मना करना पड़ता है, क्योंकि औजार वगैरह में दिक्कत है। तो यहाँ पर स्टॉप करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमने स्टॉप कर ली थी वीडियो, लेकिन आप यहाँ पे सारा सेटअप कर दिया दोस्तों, और आपको LNB की पोजीशन दिखा देता हूँ। LNB की पोजीशन दोस्तों इस तरीके से रहने वाली हमारी, ये वायर जो है वाइट वाली दोस्तों, ये सीधी हमारी मीटर के पास गई है दोस्तों, और ये मीटर से दोस्तों हमारी पीछे का दोस्तों यहाँ पर बोल्ट दिखा देता हूँ आपको, देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग हमने यहाँ पर की है, अच्छे बोल्ट साथ में आते हैं दोस्तों एयरटेल एंटीना के साथ से, तो वो हमने डी फ्री डिस्क का सेट